मैं अर्षद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गुरुकुल के इस ऑनलाइन क्लास में मैं अर्षद अय्यूब आप लोगों के लिए मैथ फैकल्टी के रूप में सामने हाजिर हूं। और मैथमेटिक्स में जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग कुछ इस तरह से मैथ में आगे बढ़ेंगे कि वैसा ट्रिक वैसा क्वेश्चन लेवल आपको कहीं नहीं मिले। और मैथमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है कि आपको हर चैप्टर में कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला वगैरह यूज करने के बाद आदमी कोई सा भी क्वेश्चन बना लेता है, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन की बारी आती है वहीं पर हम सभी का समय ज़्यादा नष्ट हो जाता है। तो इसी पे सबसे पहले हम लोग वर्क करने वाले हैं कि कैलकुलेशन पार्ट को किस तरह से हम लोग कम समय में कर सके। आमतौर पे आप लोगों में से कई लोगों ने डिफरेंट जगह पे क्लास किया होगा, और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता होगा आप लोगों को कि 100 तक का टेबल याद करें, 50 तक का स्क्वायर याद करें एंड क्यूब याद करें। ये सब चूंकि बेसिक चीज़ है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखने वाली बात ये है और समझने वाली भी कि हम लोग बचपन से लेकर के आज तक ये फैक्ट है कि 20 तक का टेबल भी मैक्सिमम स्टूडेंट को याद नहीं होगा। ग्रेजुएशन करने में कम से कम जो 15 साल का समय लगता है, इस 15 साल के समय में जब हम लोग 20 तक का टेबल याद नहीं कर सके तो 100 तक का टेबल और 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब रूट कहाँ से याद कर सकेंगे। अगर कुछ लोग हैं जो याद कर भी सकते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि याद करने के बाद एक समय ऐसा आएगा हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता या महीना में आप लोग भूल ही जाएंगे। ये फैक्ट है, ये नेचुरल सा चीज़ है कि टेबल इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर याद हो भी गया तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है कि किस तरह से, जैसे अगर 72 का टेबल का कहीं ज़रूरत पड़े, 72 6 जा अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रहा है आपको, तो अगर टेबल याद भी है तो वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं आए कि पता नहीं हम सही टेबल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। माइंड वहाँ पर आपका ऐसा फ्लैक्चुएट हो सकता है कि आप लोग मल्टीप्लाई करने पे मजबूर हो जाएं। तो इसी के लिए ना टेबल आपको याद करना है, 10 तक का तो टेबल सभी को याद होगा, ना ही आपको टेबल याद करने की ज़रूरत है, ना ही स्क्वायर। इन सब चीज़ के लिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें 100 तक का टेबल कवर हो जाएगा, स्क्वायर कवर हो जाएगा 100 तक का, इनफैक्ट 100 से ऊपर तक का स्क्वायर आपका कवर हो सकता है, क्यूब रूट आपका कवर हो जाएगा, और भी अलग अलग तरीके से गुना, बड़े बड़े नंबर्स को किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अब तक किस तरह से करते हुए आए थे और अब किस तरह से करना है, इन सब पे सबसे पहले हम लोग वर्क करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का बेसिक कैलकुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। और इस चैप्टर में मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग के लिए मटेरियल लाऊँगा। और जो स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा इसमें कि देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए तो अलग अलग नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला नंबर होता है 1, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो सिर्फ 1 से ही बना हुआ है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही बना हुआ है। मतलब ये हुआ, जैसे अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं 1 से बने हुए नंबर के स्क्वायर का। 111 का स्क्वायर अगर निकालना है या 11111 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी 1111 या फिर 11111 का स्क्वायर निकालना है, इन सब का अगर स्क्वायर निकालना है तो ये भी तो मल्टीप्लिकेशन ही है। स्क्वायर निकालना मतलब क्या कि उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये भी तो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग स्क्वायर से, फिर ऐसे नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जो 1 से ही बना हुआ है लेकिन स्क्वायर नहीं है, मतलब डिफरेंट है दोनों। तो इसमें स्क्वायर की बात करें तो देखिए, स्क्वायर अगर इस तरह के नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो ही इजी वे में आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि बस देखना ये है कि यहाँ नंबर ऑफ 1 कितना है, बस ये काउंट करना है। और उम्मीद करते हैं ये काउंट करने में आपको
दो चार सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे अगर बात कर रहे हैं कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, हम लोग काउंट करेंगे कि 111 में नंबर ऑफ वन कितना है, यानी एक का संख्या कितना है, एक का संख्या कितना है, तो एक का संख्या तीन है। अगर एक का संख्या तीन है तो हम लोग थ्री तक यहाँ पे लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री, जितना वन रहेगा वहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, वन टू थ्री लिख दिए। उसके बाद जैसे हम लोग इंक्रीज लेवल पे बढ़े, उसी तरह से डिक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे, यानी टू वन। तीन के बाद देखिए यहाँ बढ़ते क्रम गया तीन तक, जितना नंबर ऑफ वन रहेगा वहाँ तक बढ़ते क्रम में जाएं और उसके बाद वहीं से वापस हो जाएं टू वन। ये आपका 111 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? आप लोग वीडियो पॉज करके बाकी का स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद ये दोनों का स्क्वायर निकाल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितना है, वन टू थ्री फोर, फोर है ना, फोर तक काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। उसके बाद वापस आ जाइए, फोर फोर से जस्ट पहले क्या था, थ्री टू वन, ये आपका हो गया 1111 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर 11111 का स्क्वायर निकालना है, नंबर ऑफ वन कितना है, फाइव है, फाइव तक काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। उसके बाद आप रिवर्स हो जाइए, फोर थ्री टू वन। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर, देखिए अगर कोई सा भी सेक्शन इनकम्प्लीट आपको लगे, कहीं से भी डाउट क्रिएट हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये हरगिज मत समझिए कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, बस ये आपको समझना है कि मैं आपके सामने हूँ। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तुरंत कमेंट में लिखिए, आपको यकीन मानिए आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये और ऑनलाइन क्लास के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यहाँ मिलने वाला है। तो आप इत्मीनान होकर के ऑनलाइन क्लास कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड को भी बताइए कि यहाँ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, और आप चाहे तो डेमो को रिप में एक आध क्लास आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 111 का स्क्वायर, 1000, इस तरह का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो वन से तो बना हुआ है लेकिन दोनों नंबर बराबर नहीं है, जो वन से तो बना हुआ है लेकिन दोनों नंबर बराबर नहीं है। मतलब ये हुआ कि 111 गुना 1111, अगर ये सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे क्या था, 111 गुना 111, यही था ना, 111 का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ। यहां पे क्या करना है, 111 को मल्टीप्लाई करना है 1111 से। तो इस ऐसे नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सेम रूल है, जैसे यहां पे काउंट करना था ना वैसे ही यहां पे भी काउंट करेंगे हम लोग, जिस तरह से यहां काउंट किए उसी तरह से यहां पे भी काउंट करेंगे। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि यहां तक थ्री तक काउंट होगा या फोर तक काउंट होगा, यहां तक थ्री तक काउंट होगा या फोर तक काउंट होगा। तो इसमें आपका आंसर तभी आएगा जब छोटे वाले नंबर में हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ वन कितना है, जो बड़ा है उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन है, तो कोई भी बता सकता है कि इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 111 है। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री तक काउंट करेंगे, यानी वन टू थ्री। रिवर्स भी होंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट रिवर्स हो जाते हैं, टू वन कर देते हैं, तो ये तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट रिवर्स नहीं होना है, इसमें कुछ तो अलग करना होगा आपको, तभी तो आंसर आएगा। स्क्वायर वाले नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और इसमें दोनों में कुछ तो फर्क रहेगा, कुछ तो फर्क रहेगा ना। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग क्या किए, जो छोटा वाला नंबर था उसमें नंबर ऑफ वन देखें, नंबर ऑफ वन कितना है, तो थ्री है, थ्री तक हमने काउंट किया। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि अब बड़े वाले नंबर में देखेंगे कि एक्स्ट्रा वन कितना है। देखिए थ्री वन है और थ्री वन इधर भी है, दोनों साइड में क्या है आपका, थ्री वन और थ्री वन है, है ना, दोनों साइड में थ्री 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 टाइम्स वन यहाँ भी है, थ्री टाइम्स वन यहाँ भी है, लेकिन एक्स्ट्रा वन बड़े वाले में कितना है, तो एक्स्ट्रा वन कितना है, एक है। जो एक्स्ट्रा है उसके बदले जो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग काउंटिंग बंद किए हैं उसी को मैक्सिमम नंबर, इसमें से मैक्सिमम नंबर को एक बार फिर से रिपीट करके लिखेंगे। यानी क्या करेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ वन कितना है, एक्स्ट्रा वन कितना है, वन है, तो एक बार और थ्री को रिपीट करेंगे। जितना बार एक्स्ट्रा वन रहेगा उतना बार
मैक्सिमम नंबर को रिपीट करेंगे, और उसके बाद जैसे इसमें घटते क्रम में आ जाते थे उसी तरह से घटते क्रम में आपको वापस आ जाना है। बताइए इसमें कितना, उम्मीद करेंगे कि जितना देर में आप कैलकुलेटर से टाइप करने में आपको समय लगेगा उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स कैलकुलेटर से भी आप फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए अगर दिया गया है 1111 गुना 111111, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना होगा, सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में एक्शन आंसर दे दीजिए। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हमें देखना है कि नंबर ऑफ वन कितना है, किसमें, छोटे वाले में। छोटा वाला कौन है, ये है या ये है, तो पता चला कि छोटा वाला ये है। तो इसमें नंबर ऑफ वन कितना है, यानी टोटल एक का संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 टोटल कितना है, 4 है। तो 4 बार हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 4 तक हमने काउंट किया। उसके बाद ये 4 तक 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि 4 1 के अलावा एक्स्ट्रा कितना है इसमें, तो पता चला कि एक्स्ट्रा 2 1 है। एक्स्ट्रा क्या है, 2 1 है। तो दो बार किसको रिपीट करेंगे, जितना बार एक्स्ट्रा रहेगा उतना बार आपका रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 कितना है, 2 बार है, तो एक्स्ट्रा 1 के जगह पे रिपीट होगा, लेकिन कौन सा नंबर रिपीट होगा, जो मैक्सिमम नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर यहाँ क्या है, 4 है। तो 4 को 2 बार और रिपीट करेंगे। अब उसके बाद रिवर्स हो जाइए, तो 4 से पहले क्या आता है, 3 3 से पहले क्या आता है, 2 2 से पहले क्या आता है, 1, ये आ गया आपका आंसर। बताइए अभी समझ में नहीं आया क्या, अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह का प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लम को भी आप शेयर कर सकते हैं, जितना हो सके अपने प्रॉब्लम को आप शेयर कीजिएगा, उतना आप फायदे में रहेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है ये आप भूल जाइए कि आपका मैथमेटिक्स वीक है, ये आप भूल जाइए कि आप आर्ट सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। आपको ये माइंड सेट करना है कि आपका मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। हो सकता है कि कभी कभी एकाध क्वेश्चन, उसके लिए मैं नहीं बोलता हूँ कि एकाध क्वेश्चन ना छूटे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपका टोटल 100 out of 100 100% का 100% आपको मैथमेटिक्स में मिले। कभी कभी बैड लक कह लीजिए कि एक आध क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, यह मेरी पूरी गारंटी है कि जो साइंस से, जो मैथ से मास्टर डिग्री हासिल किए होंगे शायद उनको भी ये रूल पता नहीं होगा। जो क्लास कर चुके हैं इस तरह का हमसे, भले उन्हें पता हो लेकिन ये रूल शायद ही किसी को पता होगा। तो जब मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले लोगों को भी ये चीज़ पता नहीं है, और जो आर्ट से बिलोंग करते हैं उनको भी ये चीज़ पता नहीं है, तो आप लोग अलग कहाँ हुए हैं, आप लोग तो अभी एक ही हैं। समझ जाइए कि आप सभी लोग एक ही कश्ती पे सवार हैं और सभी लोग नए नए ट्रिक को सीखने वाले हैं। यहाँ पे सभी के लिए वो चीज़ नया होगा। तो चलिए, ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमने देखा जो सिर्फ 1 से बना हुआ है, जो सिर्फ 1 से बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो 1 से, एक तरफ 1 से बना हुआ नंबर हो और दूसरी तरफ कुछ भी हो। कुछ भी मींस कुछ भी, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि दूसरे साइड में इतना से नंबर बना हुआ हो या इतना से, दूसरे साइड में वो कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन। देखिए, इस टाइप का इतना बड़ा बड़ा नंबर, छोटा छोटा नंबर कैलकुलेशन करने के लिए आपको कंपटीशन में काम आएगा। अचानक से आपको बड़ा लेंदी मैथ दिया गया है, और ये मत समझिए लेंदी मैथ बनाते बनाते अचानक से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाएगा। छोटा ही नंबर का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जब हम लोग सीख रहे हैं तो क्यों ना बड़े एग्जाम्पल से सीखें। बड़ा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि छोटा वाला एग्जाम्पल आपका बन ही जाएगा, है ना। तो अगर कहीं पर मल्टीप्लाई करना है 111 को 24684 से मल्टीप्लाई करना है,
तो ऐसे नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें क्या है अलग आपका, देखिए इस ये कौन से लेवल में आ जाएगा कि एक तरफ सिर्फ वन से बना हुआ नंबर हो, एक तरफ सिर्फ वन से बना हुआ नंबर हो और दूसरे साइड में कोई सा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे साइड में कोई नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है, एक साइड में वन से बना हुआ सिर्फ नंबर है ना, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिए कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए स्टेप भी मैं लिखवा दूंगा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक आध आप लोग से बनवाऊं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका स्टेप लास्ट में, क्योंकि पहले ही स्टेप लिख देंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि इतना लंबा स्टेप इतना लंबा ट्रिक कैसे याद कर सकेंगे। याद करना मुश्किल है, समझना मुश्किल नहीं है, याद करना याद रखने में मुश्किल है, याद किया हुआ चीज को याद रखना मुश्किल है, लेकिन समझा हुआ चीज को याद रखना एकदम एक जरा सा भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद नोट्स के तौर पे मैं आपको लिखवा दूंगा, स्टेप भी लिखवाऊंगा। तो पहले समझ जाइए इस चीज को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक को, जब भी ऐसा नंबर आपको दिखाई दे कि एक तरफ वन से बनने वाला नंबर है और दूसरे साइड में कोई सा भी नंबर है, जब भी ऐसा नंबर आपको दिखाई दे तो आप क्या करें कि यूनिट प्लेस के नंबर को यानी इकाई अंक को ठीक उसी तरह से आप लोग लिख दीजिए। इकाई अंक में क्या था, चार था, आपने चार लिख दिया। कभी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए आए, ऐसा नंबर नहीं आएगा, मान लीजिए कि आप कोई लंबा मैथ बना रहे हैं और लास्ट में ये आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़े, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आने वाला है। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि जब क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है, तो इससे और एक बेनिफिट होता है कि हम लोग इकाई अंक को ही चेक कर लेते हैं कि इकाई ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया रहेगा, हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में भी इकाई अंक में चार कहाँ पे है। कभी कभी पता चलेगा कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही चार है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस में चार है, आप उसी को टिक कर दीजिए, पूरा भी मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। कभी पूरा मल्टीप्लाई भी करना पड़े तो आपको टेबल पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले हमने क्या किया, इकाई अंक को वैसे ही लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इकाई अंक के बाद जो दो अंक है वो दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले इकाई अंक को लिखे, उसके बाद ये दोनों को जोड़ के लिखना है। तो बताइए आठ और चार कितना होता है, तो आठ और चार होता है बारह, तो बारह का बारह ना लिख करके सिर्फ दो लिखेंगे। आपको सिर्फ ऐड करना है, और ऐड करना है तो ऐसे नंबर को ऐड करने में समय नहीं लगता है। कितना होगा, आठ और चार बारह, बारह का दो कैरी कितना है हाथ में, कितना है तो हाथ में पता चला कि अभी एक है। उसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर ये तीनों नंबर को ऐड करेंगे, ये तीनों नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि 12 तो यहाँ गया था, 12 और 6 कितना होता है तो 18, तो 18 का 8 नहीं लिखेंगे, ये कैरी 1 भी तो था, हाथ में 1 था ना, तो 8 4 12, 12 6 18 और ये एक हाथ में था, तो 18 और एक कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 अभी भी हाथ में कितना है, एक है। तीन नंबर को हम लोग ऐड कर लिए, अब यहाँ से चेंज आएगा, यहां से क्या चेंज होगा, देखिए यहां पे मैंने कहा कि एक तरफ वन से बनने वाला नंबर है, लेकिन ये नहीं कहा था कि वन से बनने वाला नंबर में वन का संख्या कितना है। ये डिपेंड करता है अब आपके कैलकुलेशन पे, ये इसका कैलकुलेशन अब इस पे डिपेंड करता है कि यहां पे नंबर ऑफ वन कितना है। जितना नंबर ऑफ वन है उतना नंबर्स को एक साथ हम लोग ऐड करेंगे, उससे ज्यादा का हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितना है, थ्री है, तो तीन संख्या को एक बार में तीन संख्या से ज्यादा हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तो तीन संख्या हमने जोड़ दिया, आठ चार बारह, बारह छह अठारह और एक उन्नीस, उन्नीस का नौ हाथ में एक, तीन नंबर को तो जोड़ दिया। अब यहाँ पे तीन ही वन है, यहाँ पे थ्री वन है, तो तीन से ज्यादा एक बार नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे कि पीछे से एक एक संख्या को छोड़ते जाएंगे और आगे से एक एक को बढ़ाते जाएंगे, यानी इस बार फोर को जोड़ने में फोर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, आगे का चार यानी आठ छः और चार को जोड़ेंगे। तो आठ छः चौदह और चौदह चार अठारह और अठारह और एक, ये कितना हो गया उन्नीस, उन्नीस का नौ अभी भी हाथ में आपका एक है, चार को हमने छोड़ दिया। उसके बाद आगे फिर और बढ़ेंगे तो इस बार क्या करेंगे, आठ को भी छोड़ देंगे,
आठ को छोड़ेंगे फिर आगे का तीन संख्या को जोड़ेंगे, तो आठ को जब हम छोड़े तो आगे का तीन संख्या कौन बचा, तो छः चार और दो, तो छः चार दस और दस और दो बारह, और एक यहाँ हाथ में था तो बारह और एक कितना हो गया आपका तेरह, तेरह का तीन हाथ में एक, ये तीनों संख्या को जोड़ दिए आगे। अब एक एक संख्या आपको हमेशा छोड़ते जाना है, उसके बाद क्या करेंगे छः को हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे छः को हटा देंगे और आगे का दो संख्या, क्योंकि तीन तो अब बचा नहीं तो दो ही को तो जोड़ेंगे, तो चार और दो छः, छः और एक कितना है ये कैरी था, छः और एक सात, अब कुछ कैरी नहीं बचा। उसके बाद क्या करेंगे चार को भी छोड़ देंगे, चार को छोड़ेंगे बचा कितना दो, तो दो को, दो को दो के साथ जोड़ने के लिए कोई नंबर नहीं है तो दो को वैसे ही लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने में लेंदी जरूर लगा, लेकिन जब यकीन मानिए आप जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो अगर समझने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, या फिर मैं आपको अभी एक आध बार और इस पे रिवाइज करवाऊँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक नंबर को आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए, चलिए इन संख्या वाला भी देते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए कि आंसर आपका सही आता है या नहीं आता है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने बना लिया होगा, जिनको अभी भी प्रॉब्लम है वो देख लें कि एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले क्या करना है कि यूनिट प्लेस को हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे, यानी इकाई अंक को वैसे ही लिख देना है, उसके बाद जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है कहाँ तक, नंबर ऑफ वन कितना है थ्री तक, तो एक साथ तीन संख्या से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, यानी हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़, पहले एक एक लिख दिए उसके बाद दो संख्या को जोड़ेंगे, तो आठ छः चौदह, चौदह का चार हाथ में कितना बचा एक बचा, उसके बाद तीन संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, तो आइए तीन संख्या को एक साथ जोड़ते हैं, तो आठ छः चौदह तो हो गया था, चौदह और चार अट्ठारह और एक उन्नीस, उन्नीस का नौ हाथ में बचा एक, तीन संख्या को जोड़ दिए। मैंने कहा कि जितना नंबर ऑफ वन है उससे ज्यादा संख्या नहीं ले सकते हैं, जैसे यहां तीन संख्या है ना, यहां पे एक कितना है तीन बार है, तो जैसे ही तीन बार हम तीन संख्या को एक साथ जोड़ें वैसे ही एक एक नंबर को छोड़ते जाना है, यानी अब आठ को छोड़ देना है यहाँ पे और आगे का तीन संख्या को लेना है, तो आगे का तीन संख्या कितना है आपका, तो छः चार दस और दस और तीन तेरह, तेरह और एक यहाँ पे भी था, तेरह और एक चौदह, चौदह का चार हाथ में एक। अब ये छोड़ने वाला सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा नंबर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, यानी अब ये छः को भी छोड़ेंगे और छः को छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे सिर्फ ये दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दो ही संख्या बचा, तो चार और तीन सात, सात का और एक ये भी था, तो चार और तीन सात, सात और एक आठ, आठ का कोई अब कैरी नहीं है, कैरी खत्म हो गया, चलिए चार तीन सात और एक आठ भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे चार को भी छोड़ेंगे, बचा कितना तीन, तीन के साथ कुछ जोड़ने के लिए है नहीं है ना, अगर जोड़ने के लिए होता तो जोड़ते, कैरी अगर हाथ में होता, कैरी अगर कुछ बचता या हाथ में बचता तो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा इसलिए लास्ट में जो थ्री बचा उसको वैसे ही लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। यही चीज अगर नंबर ऑफ वन चार बार होता, अगर नंबर ऑफ वन चार बार होता तो क्या करते, तो एक साथ तब तक हम लोग जोड़ते जाते जब तक चार संख्या को एक साथ नहीं जोड़ ले। यहां तीन संख्या जोड़ने के बाद छोड़ने वाला सिलसिला जारी किए, वहां पे क्या करेंगे कि चार संख्या जोड़ने के बाद छोड़ने वाला सिलसिला जारी करेंगे। एक एग्जांपल के रूप में लिखी लीजिए कि अगर वन टू थ्री फोर, नंबर ऑफ वन कितना है चार है, उसके बाद थ्री सिक्स एट टू नाइन लीजिए, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक उसी तरह से हमें करना है, नौ को लिख देंगे यहाँ, उसके बाद दो संख्या को जोड़, एक संख्या लिख दिए फिर दो संख्या को जोड़ेंगे, नौ दो ग्यारह का एक हाथ में बचा कितना एक, उसके बाद तीन संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, तो ग्यारह तो हो गया था, ग्यारह और आठ उन्नीस और एक बीस का जीरो हाथ में बचा कितना दो। यहाँ पे क्या करते थे उसमें क्या किए थे कि तीन संख्या को जैसे ही जोड़ दिए अब एक एक को हम लोग क्या करते थे कि एक एक संख्या को छोड़ते जाते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वन यानी एक का संख्या चार है इसलिए चार तक आगे बढ़ना होगा, यानी अब ये चारों को जोड़ना होगा, नौ दो ग्यारह, ग्यारह आठ उन्नीस, उन्नीस और छः कितना हो जाएगा
तो 19 और 6 25, और 2 इधर हाथ में था तो 25 और 2 27, 27 का 7 हाथ में बचा कितना 2। अब 4 संख्या जैसे ही जोड़ें, चूंकि नंबर ऑफ 1 4 है, तो 4 संख्या जैसे ही जोड़ें, अब हम लोग एक एक संख्या को छोड़ते जाएंगे, यानी अब 9 को छोड़ेंगे और आगे का 4 संख्या लेंगे। 4 ही लेना है, पूरा को नहीं, जितना नंबर ऑफ 1 है उससे ज्यादा हम लोग एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 16, अभी 3 ही हुआ है ना, फिर 16 और 3 19, और 2 इधर भी था तो 19 और 2 कितना हो जाएगा, तो 19 और 2 21, अभी भी बचा हाथ में कितना 2। अब फिर से एक छोड़ेंगे यहाँ पे, और आगे तो अब 4 बचा नहीं तो 3 ही को जोड़ेंगे, तो 8 6 14, और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 2 19, फिर से एक छोड़ेंगे 6 3 9, 9 और अच्छा हाथ में एक ही बचा था तो 6 3 9, 9 और 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, उसके बाद 3 है तो 3 और 1 4, हाथ में 1 बचा था। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए 1 से बनने वाला संख्या का मल्टीप्लिकेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग और अलग टाइप के क्वेश्चन को किस नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देख लेते हैं। एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि एक तरफ 1 से बनने वाला नंबर है तो 11 भी तो उसी में आ गया। अगर 11 से भी मल्टीप्लाई करना है तो सेम लॉजिक आप लोग अप्लाई कीजिएगा, लेकिन उसमें क्या करना है कि 11 में 2 ही 1 होता है, तो एक साथ 2 संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं, 2 संख्या से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 संख्या जोड़ेंगे उसके बाद हमें क्या करना होगा कि एक एक छोड़ते जाना होगा। यहाँ 3 संख्या जोड़ने के बाद एक एक छोड़ना है, यहाँ पे 4 संख्या जोड़ने के बाद एक एक छोड़ना है। जब 11 से गुना करेंगे तो 2 संख्या जोड़ने के बाद फिर पीछे से एक हटाते जाएंगे और आगे से एक एक संख्या बढ़ाते जाएंगे। उतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं अभी भी क्लियर हुआ तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग टाइप का मल्टीप्लीकेशन। आप लोग चाहें तो इसके लिए मैंने बोला था कि स्टेप लिखवाने के लिए, तो स्टेप्स में भी लिख सकते हैं इसको। स्टेप क्या हुआ आपका कि इसका स्टेप मैंने क्या किया, शुरू में सिर्फ 9 को लिखा, इसलिए फर्स्ट में क्या हुआ 9। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया तो ये दोनों को जोड़ दिया हमने, 9 प्लस 2 9 प्लस 2। थर्ड स्टेप क्या हुआ तो थर्ड स्टेप में 3 संख्या को हमने जोड़ा, यानी कि थर्ड स्टेप क्या हुआ तो 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस कैरी, जो हाथ में बचेगा उसको भी तो जोड़ना है। फोर्थ स्टेप क्या हुआ आपका तो फोर्थ स्टेप में 4 संख्या को हमने जोड़ा, यानी 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस कैरी, कैरी सभी में जुड़ते जाएगा अगर बचा हुआ है तो। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या था तो फिफ्थ स्टेप में 9 नहीं है। अब हम लोग चूंकि 4 संख्या जोड़ चुके हैं यहाँ पे, तो फिफ्थ स्टेप में ये 9 को छोड़ दिए, उसके बाद आगे का 4 संख्या लिए, यानी ये 9 को छोड़ के आगे का 2 प्लस 8 प्लस 6 एंड प्लस 3 प्लस कैरी। सिक्स स्टेप में क्या हुआ कि अब छोड़ने वाला सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, यानी 2 को भी छोड़ेंगे तो बचा कितना 8 प्लस 6 प्लस 3, 3 के बाद कुछ था क्या नहीं, तो बस इतना ही किए। उसके बाद सेवंथ स्टेप में क्या हुआ आपका कि सेवंथ स्टेप में इस बार 8 को भी छोड़ दिया हमने, तो 8 प्लस 3 सिर्फ बचा, और अगर कुछ कैरी है तो उसको भी ले लिए। उसके बाद 8 स्टेप में क्या हुआ कि 8 को भी छोड़ दिया हमने, बचा क्या 3 प्लस कैरी अगर है तो कैरी को भी जोड़ें। और उसके बाद 9th स्टेप यहाँ पे क्या बना, सिर्फ और सिर्फ 3 यहाँ पे बचा, तो सिर्फ 3 प्लस कैरी अगर बचा, तो यहीं पे आपका ये समाप्त हो जाता है। क्लियर है ना। स्टेप चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको आप लोग लिख लीजिए। अगर स्टेप आप लोग चाहते हैं कि बाद में भूल जाएंगे, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। इस तरह के नंबर ज़्यादा नहीं, 2-4 खुद से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि सही होता है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ये तो 1 से बनने वाला नंबर हो गया, जिसमें 11 भी कवर उम्मीद करते हैं कि आप लोग का हो गया होगा। अब हम लोग ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जो 12 से लेकर के 19 तक के टेबल के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करना हो। 20 तक का तो टेबल याद होता ही है सभी को, या जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट को याद नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट को ही याद होता है, लेकिन कुछ को तो याद होता है।
लेकिन इस बार मैं जो ट्रिक आप लोग को बताऊंगा, यकीन मानिए कि जिनको टेबल याद भी होगा वो भी यही सोचेंगे कि भाई टेबल भूल ही जाने में भलाई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भूल जाइए, आप लोग जितना हो सके याद अगर करने का कैपेसिटी है तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक बार आप लोग ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे क्योंकि नया चीज़ है आपके लिए, लेकिन एक दो बार अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो एक तरफ क्या हो, एक तरफ 12 से लेकर के 19 तक का कोई सा भी नंबर हो और दूसरे साइड में कोई सा भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 12 से लेकर के 19 तक एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 12 से 19 तक का सेम, 12 से 19 तक का जो गुना करने का तरीका है वो आपका सेम है। तो यहां पे आप लोग चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12 टू 19 विथ एनी नंबर, यानी कि 12 से लेके 19 तक का गुणा किसी भी संख्याओं के साथ। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे 12 भी लेंगे तो भी सेम ही चीज अप्लाई होगा, 13 भी से भी गुना करेंगे सेम ही रूल अप्लाई होगा, 14 से भी, जितना से आप लोग चाहें आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आइए हम चूंकि 17 का टेबल बहुत सारे लोग, 15 तक तो कम से कम याद होता ही होता है, तो आइए हम लोग 17 से देखते हैं कि अगर 17 को मल्टीप्लाई करना है किससे। कोई सा भी नंबर उठा लेते हैं, 6, 2, 3, 4, 17 को गुना करना है कितना से, तो 6,234 को गुना करना है। तो 17 को जब 6,234 में गुना करेंगे तो 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जिनको टेबल याद भी है वो भी यही रूल अप्लाई करने वाले हैं। क्यों अप्लाई करने वाले हैं? क्योंकि 17 का टेबल पढ़े बिना ही ये आपका सॉल्व हो सकता है, वो भी बिना स्टेप फॉलो किए हुए। कैसे? अब आप लोग बताइए, एक दो ऑप्शन है आपके पास, आपके पास दो ऑप्शन है एक 17 का टेबल पढ़ना। पहला ऑप्शन क्या है कि 17 का टेबल पढ़ना, दूसरा ऑप्शन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 7 का टेबल पढ़ना। आप बताइए कि 17 का टेबल पढ़ना आसान है या 7 का टेबल पढ़ना आसान है? 17 का टेबल पढ़ना आसान है या 7 का टेबल पढ़ना आसान है? यह बोलना तो एकदम आसान है कि 7 का टेबल पढ़ना ही आसान है कि नहीं? अरे कोई भी बोलेगा कि जब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बार 17 का टेबल पढ़ें और एक बार 7 का टेबल पढ़ें, तो 7 का टेबल पढ़ना ज्यादा आसान है ना? तो जब 7 का ही टेबल पढ़ने से काम चल जाएगा तो हम आगे क्यों टेबल 17 का टेबल क्यों पढ़ेंगे, यही तो क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 17 का टेबल किस तरह से ना पढ़ के 7 का टेबल पढ़ने में ही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए थोड़ा सा आसान पड़ेगा कि 17 को इधर लिख दें, किधर भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा, बाकी जब आप समझ जाएंगे तो अपने तरीके से जिस तरह से बुक में आपको दिखेगा उस तरह से सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, मैंने कहा कि 17 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो ये 1 को आप भूल जाएं, सिर्फ 7 का टेबल पढ़िए। अगर 18 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को भूल जाइए, सिर्फ 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा। अगर 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 का जो एक वाला पोर्शन है उसको भूल जाइए, सिर्फ 6 का टेबल पढ़िएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, लेकिन आंसर आएगा तो उसमें कुछ तो अलग करना होगा ना, क्योंकि 17 का टेबल पढ़ना है, हम 7 का ही टेबल पढ़ करके बोल रहे हैं आंसर आ जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? कुछ तो अलग करना होगा। क्या अलग करना है आइए हम लोग देखते हैं। अगर 17 का टेबल पढ़ना पड़ता तो पहले 4 बार पढ़ते, फिर 3 बार पढ़ते, फिर 2 बार पढ़ते और फिर 6 बार पढ़ते, फाइनल हो जाता। 7 का टेबल पढ़ना है तब भी 4 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, लेकिन आगे एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दो अलग चीज करने वाले हैं, आगे एक स्टेप और बढ़ेगा। दूसरा चीज, हम लोग कंटिन्यू जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक एक स्टेप और बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ेगा? सबसे पहले क्या करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भूल जाइए,
भूल जाइए कि वहां पे वन है भी, यकीन मानिए आपका आंसर सही आएगा जो 17 से गुना करने के बाद आने वाला है। तो 7 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 7 × 4 = 7 कितना होता है 28, यानी 28। 28 का क्या 8 हाथ में दो, 7 × 4 = 28, 28 का 8 हाथ में कितना बचा, कैरी कितना बचा, तो 2 बचा। शुरू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 17 का भी टेबल पढ़ना रहता तो इसी तरह से लिखते, इस तरह से लिख करके उसके बाद हाथ में जो भी आता आपका आ जाता। अब क्या करना है, 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21। लेकिन यहां पे अब हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते जाना होगा, एक संख्या को हमेशा आपको जोड़ना है। जब भी आप टेबल पढ़ेंगे तो एक संख्या को हमेशा आपको जोड़ते जाना होगा, यही आपका अलग है। वो कौन सा संख्या है, तो जो संख्या, देखिए यहाँ पे 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हैं हम, तो 3 बार पढ़ रहे हैं। जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसके पहले वाले नंबर को बस जोड़ते जाना है, जितना बार टेबल पढ़ेंगे उसके पहले वाले नंबर को जोड़ते जाना है, पहले वाले सिर्फ एक नंबर को। तो यहाँ पे क्या किए, स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं, 7 × 4 = 28, 28 के बाद कोई ये 4 के बाद कोई नंबर था क्या, नहीं, इसलिए कोई नंबर नहीं जोड़े, 7 × 4 = 28, 28 का 8 हाथ में बचा 2। फिर 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, अब 21 के 7 × 3 = 21, 3 के बगल में क्या था 4, 4 को जोड़ देंगे तो 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25, और जो हाथ में है वो तो जुटेगा ही, उसको तो लेके चलना ही होगा, ये तो नेचुरल सा चीज है। तो 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25, और 25 × 2 कितना हो जाएगा, तो 25 × 2 = 27, 27 × 7 हाथ में बच गया कितना 2। क्लियर है, अब उसी तरह से आगे भी 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 2 बार, तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 7 × 2 = 14। अब 14 के बाद क्या करेंगे, बाद मैंने कहा ना हमेशा यही करते जाना है कि बाद वाले नंबर को जोड़ते जाना है, बाद वाले एक नंबर को जोड़ते जाना है, यानी कि 7 × 2 = 14, 14 और 3, 3 को जोड़ेंगे ना 2 के बाद है, तो 7 × 2 = 14, 14 और 3 = 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 × 9 हाथ में अब कितना बचा, तो हाथ में बचा 1। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, 7 × 6 = 42, कितना हो गया 7 × 6 = 42 हो गया, 6 बार पढ़ दिए, अब बाद वाले नंबर को जोड़िए, तो 7 × 6 = 42 = 44, और एक हाथ में भी था तो 44 और 1 कितना हो जाएगा 45, 45 × 5 हाथ में अब कितना बचा 4। यहाँ पे 45 × 45 पूरा नहीं लिखेंगे, मैंने कहा था ना कि लास्ट में एक स्टेप और बढ़ेगा, वो स्टेप क्या है, तो लास्ट देखिए मल्टीप्लाई तो आपने सभी के साथ कर दिया, अब एक्स्ट्रा क्या बढ़ने वाला है, तो एक्स्ट्रा ये बढ़ेगा कि इधर वाला जो लास्ट नंबर है, इस लास्ट नंबर को या तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे, या अगर कुछ हाथ में यानी कैरी बचा हुआ है तो उसको ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ लास्ट में कितना है 6 है, तो 6 और 4 को गुना नहीं करेंगे, जोड़ेंगे 6 और 4 = 10, बस आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आइए एक एग्जांपल सिर्फ इसका और देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, वीडियो पॉज करने के बाद फिर क्या करना है आपको कि वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो पॉज करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो मैं अगला मल्टीप्लिकेशन आपको दे रहा हूँ वो इस मेथड से बनाने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर सकते हैं, तो इस मेथड से बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट में ज़रूर लिखिए, और नहीं बनता है तब भी तब तो मैं बताऊंगा ही आप लोगों को। चलिए एक छोटा सा नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए इस बार देता हूँ कि 3692 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, वीडियो पॉज करके इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आता है। आइए मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार, ध्यान से देखिएगा क्या करना है, देखिए दो ही तो काम करना है हमें, यहाँ पे 13 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें 1 भूल जाना है, सिर्फ 3 का ही टेबल पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा। करना क्या है, जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसके बाद वाले नंबर को जोड़ते जाना है, जितना बार टेबल पढ़ रहे हैं उसके बाद वाले नंबर को ऐड करते जाना है, यानी 3 × 6, क्या 2 के बाद कोई नंबर था, नहीं ना था, तो जोड़ेंगे क्या, तो 3 × 6 = 6, 6 × 6 ही, कुछ कैरी नहीं है। उसके बाद 3 का पहाड़ा 9 बार, 3 × 9 =
27 पढ़ लिए, टेबल पढ़ लिए। टेबल पढ़ने के बाद क्या करना है कि आगे वाले नंबर को जोड़ते जाना है। तो 3 9 27 और 27 और 2 29, 29 का 9 अब हाथ में बचा दो। फिर 3 से 3 6 18 बाद वाले नंबर को जोड़िए, 18 और 9 कितना होगा 27 और 27 और 2 29, 29 का 9 अभी भी 2 बचा। फिर 3 से गुना किए कितना बार, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 को क्या करेंगे 6 से जोड़ देंगे, तो 9 6 15 और 2 इधर भी था तो 15 और 2 17, 17 का 7 हाथ में बचा एक। सबके साथ गुना कर दिए, जैसे ही सबके साथ गुना कर दिए तो ये लास्ट वाले नंबर को और ये कैरी को जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 1 दोनों को जोड़ना है आपको, दोनों को ऐड करना है ये दोनों नंबर को लास्ट में, तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इसका भी चाहे तो आप लोग स्टेप लिख सकते हैं। इसका स्टेप्स होगा, किसका स्टेप लिखे, चलिए कोई सा भी लिख देते हैं, चलिए इसी का स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले क्या किए कि 7 को गुना किए किससे, 4 से, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या बना, 7 को गुना किए 3 से, और क्या किए 7 को 3 से गुना किए और 4 को जोड़ दिए, और जो कैरी है उस जो यानी हाथ में है उसको भी जोड़ते जाना है। फिर तीसरा स्टेप में 7 को किससे गुना किए, तो 7 को गुना किए 2 से, उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर है 3 था, तो 3 को जोड़ दिए फिर कैरी को जोड़ दिए। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है, 7 को किससे गुना किए, तो 7 को गुना किए 6 से, 6 के बाद कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 को जोड़ दिए, जो कैरी बचा हुआ था वो जोड़ दिए। गुना वाला काम खत्म हो गया। जैसे ही गुना वाला काम खत्म होगा तो लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो लास्ट संख्या है यानी जो 6 है उस 6 को कैरी के साथ हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं, अच्छा यहाँ पे आपका 6 था, लास्ट में कितना है 6 है, तो 6 और प्लस कैरी कर देना है उसको। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी मेथड समझ में आ गया हो। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये जो इसका जो स्टेप मैंने लिखवाया है इस मल्टीप्लिकेशन का, वो आप लोग याद करने के लिए लिख सकते हैं। और इसके बाद और भी हम लोग बहुत सारा नंबर देखेंगे कि किस किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया, उम्मीद तो यही कर रहे हैं। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग बहुत सारा टाइप देखिए, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि बहुत सारा टाइप होता है, मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरत पड़ता है, जो आमतौर पर ऑटोमेटिक रूप से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाता है। हो सकता है कि कुछ अलग भी आए। तो बेसिक कैलकुलेशन में मैं सबसे लास्ट में ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं, जिसको मैंने नाम दिया है मास्टर ट्रिक। मतलब ये कि मास्टर ट्रिक जब मैं लास्ट में बताऊंगा तो उसमें कोई सा भी नंबर, ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ इन नंबर को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मास्टर ट्रिक से। अब सवाल ये होता है कि डायरेक्ट मैं मास्टर ट्रिक क्यों नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट मास्टर ट्रिक बताऊंगा, देखिए मास्टर ट्रिक जो है ये बात सही है कि सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने में काम आ जाता है, लेकिन मास्टर ट्रिक इनसे थोड़ा सा लेंदी है। जो बेसिक मेथड है उससे ईजी है लेकिन इनसे थोड़ा लेंदी है। तो जो मास्टर ट्रिक को भी मात दे दे, पहले वैसे नंबर को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मास्टर ट्रिक भी सीखेंगे और बड़े बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे आमतौर पर डायरेक्ट रेलवेज वगैरह में पूछ दिया जाता है कि बताइए 997 का स्क्वायर क्या होगा, याद है 997 का स्क्वायर? नहीं याद होगा, लेकिन यकीन मानिए 4 से 5 सेकंड में आपको आंसर पता चल जाएगा। चाहे 998 का स्क्वायर हो या 988 का स्क्वायर हो, 987 का स्क्वायर हो, इस टाइप के नंबर्स का, और ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। तो चलिए अभी फिलहाल जो अगला मेरा टॉपिक होगा जो मल्टीप्लाई का, वो ये होगा कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन अब हम लोग सीखेंगे जिसके यूनिट प्लेस में यानी इकाई अंक में 5 हो, जिसके इकाई अंक में 5 हो, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग देखेंगे।
देखिए ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई जिसके यूनिट प्लेस में यानी इकाई अंक में क्या हो, तो इकाई अंक में 5 हो, तो इसमें भी बहुत सारा नंबर होगा। लेकिन सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं, यानी 25 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में 5 है, मतलब ये स्क्वायर है तब तो मल्टीप्लाई ही है। लेकिन सिर्फ सेपरेटली ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस में क्या है, तो 5 है। उसके बाद आगे 35 का स्क्वायर प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। ये बाउंडेशन इसमें नहीं है कि वो दो अंकों वाला ही संख्या हो, है ना। इसमें आप चाहे तो 115 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 145 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, और थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं कि 185 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस लॉजिक से जो 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 नंबर मैंने स्पेशली लिखवाया है, खास करके ये जो बड़ा नंबर, तो हम लोग ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो सीख ही लेंगे जिसके इकाई अंक में 5 होता है। साथ में एक और चीज़ सीख लेंगे, अगर ये जो नंबर मैंने दिया है तो इसमें एक और टॉपिक हम लोग सीख लेंगे। तो देखते हैं, या चाहे तो इसी क्लास में मैं बता दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में पक्का मैं बताऊंगा कि ये दोनों को किस तरह से आगे चल के हम लोग और भी इजी वे में इसको कर सकते हैं जब नंबर बड़ा हो। तो फिलहाल देखते हैं कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जिसके इकाई अंक में क्या है, 5 है, तो इसको कैसे गुना किया जा सकता है। 25 का स्क्वायर तो आप सभी को पता होता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ये सब तो आप सभी को पता ही है। लेकिन अगर पता नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर लास्ट में 5 है, अगर यूनिट प्लेस में 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है तो आपका लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। ये एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि अगर यूनिट प्लेस में 5 है और उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। सेट हो गया माइंड में, सभी के यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, तो सभी के आंसर में लास्ट में क्या आएगा, 25, 25, सभी के लास्ट में क्या आने वाला है, 25। सिर्फ शुरू में जो आएगा उसको देखिए क्या करना है, तो शुरू में क्या करना है कि हम लोग देखेंगे कि इधर वाला 5 को छोड़ करके इधर वाला संख्या जो बच गया वो कितना है, तो वो 2 है। तो 2 अगर है तो 2 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, 1 बढ़ा करके 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना, तो 1 बढ़ा करके, तो 2 तिहाई कितना होता है, 2 3 6, लीजिए आंसर आ गया। यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से करेंगे, 1 बढ़ा के करना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से, कितना हो जाएगा, 4 3 12, और लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, लास्ट में सभी के 25 आएगा। यहाँ 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 7 का पहाड़ा 8 बार, या 8 का पहाड़ा 7 बार, तो 8 7 जा कितना हो जा कितना होता है, तो 56, और लास्ट में तो 25 होगा ही। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग बाकी का बना करके दिखाइए, बना के कमेंट में लिखिए, मैं बताता हूं। वैसे 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से, 9 8 72, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा ही। 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 9 का पहाड़ा 10 बार, या 10 का पहाड़ा 9 बार, 10 9 90, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे कितना से गुना करना होगा, तो देखिए लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना, 5 के अलावा कितना है, 11 है, तो 11 को किससे गुना करना होगा, तो 11 को गुना करना होगा 12 से, 11 को गुना करना होगा 12 से, तो कितना होगा, 11 गुना 12 कितना हो जाएगा, 132, 25, क्लियर है। उसके बाद गुना करना है किसको, ये 145 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, तो 14 को गुना करना होगा कितना से, तो 15 से, तो 15 को जब 14 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 210, लास्ट में 25 होगा ही। अब यहाँ पे भी 185 का स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 18 को गुना करना है 19 से, थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए कि आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि 18 गुना 19 कितना होता है, तो 342 होता है।
18 गुना 19 कितना होता है, तो 342 होता है। अब यहाँ पे तो टेबल मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी आपको लग रहा होगा कि इतना जल्दी ये सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि याद करके मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए आप भी इसी तरह से लिखिएगा। और ये जो बड़े बड़े नंबर मैंने लिखवाए हैं इनके लिए, इनको जैसे यहाँ 11 गुना 12 करना था, झट से मैंने लिख दिया 132, यहाँ पे 15 गुना 14 करना था, तुरंत मैंने लिखा 210, यहाँ पे 18 गुना 19 करना था, तुरंत मैंने लिखा 342। ये आप भी लिखेंगे और इसका ट्रिक मैं बताऊंगा आपको अगले चैप्टर में। और ये इससे क्या होगा कि ये पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा, और साथ ही ये जो जल्दी से गुना करने वाला तरीका है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो या ना लगा हो, जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ डाउट है, तो वो भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।